hello my dear student today we are going to write some lines on cow ajam kauki upkushline likhinge up notebook pencil leker ke you see it with pencil and notebook for write this paragraph this is a paragraph for cow see here here is a picture of cow we see it and write some lines on it okay dear student now start we will Yes, cow is a farm animal. Cow is a farm animal. Dear student, if you want to learn this paragraph, then you can repeat it with me and make it easy for learn. Yes, now start. Cow is a farm animal. A cow has four legs. Here we can see that.

नेक्स्ट काऊ मिल्क इज़ गुड फॉर हेल्थ काऊ मिल्क इज गुड फॉर हेल्थ काऊ का जो दूध है गाय का दूध है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है काऊ स्किन इज यूज फॉर मेकिंग लेदर काऊ स्किन इज़ यूज फॉर मेकिंग लेदर जो काऊ की स्किन होती है उसे लेदर बनाने के काम में ली जाती है अ बेबी इज कॉल्ड अ काफ अ बेबी काउ इज कॉल्ड अ काफ बेबी काउ को काफ कहा जाता है बछड़ा कहा जाता है काउ के बेबी को काउ साउंड इज कॉल्ड काउ साउंड इज कॉल्ड काऊ की जो आवाज़ होती है उसे मूह के नाम से जाना जाता है काऊ लीव इन ग्रुप काऊ समूह में रहती है गाय जो है वो समूह में ही रहती है आपने काफ़ी सारी काउज ऐसी देखी होगी सड़क पे भी देखी होगी उनका जो हड होता है वहाँ पे भी देखी होगी गौशाला में भी देखी होगी गाय एक समूह में ही रहती है काऊ लिव इन ग्रुप्स दे ईट ग्रास एंड अदर वेजिटेबल्स दे

नेक्स्ट एंड लास्ट काओ कैन लीव फॉर ट्वेंटी फाइव ईयर्स काओ की जो उम्र होती है वो होती है ट्वेंटी फाइव ईयर्स पच्चीस साल इसी के साथ हमारा पैराग्राफ पूरा होता है डियर स्टूडेंट आप इस पैराग्राफ को नोटबुक में नोट डाउन करिएगा इसे लर्न करिएगा अपने टीचर्स को अपने पेरेंट्स को सुनाइएगा इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ के साथ में अगर आपको कोई क्वारी है आपको किसी टॉपिक के ऊपर पैराग्राफ लिखना है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं हम आपको उसका पैराग्राफ आप तक जरूर पहुंचाएंगे अगर ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ओके बाय थैंक यू डियर स्टूडेंट